लोकसभा अध्यक्ष के लिए आज चुनाव हो रही है। इस चुनाव के लिए लोकसभा के सभी सदस्य वोट करेंगे। बता दें कि अध्यक्ष पद के एनडीए और विपक्षी इंडिया ब्लॉक के बीच अहम सहमति नहीं बनने के बाद दोनों गठबंधनों ने अलग अलग उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने फिर से सांसद ओम बिरला को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्ष ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के सुरेश को मैदान में उतरने का फैसला किया है। राजस्थान के कोटा से 3 बार के सांसद ओम बिरला और केरल के मलेरिकारा से 8 बार के सांसद केडी कुन्नील सुरेश के बीच सीधा मुकाबला है। बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव शुरू हो चुका है। हालांकि इंडिया ब्लॉक के लिए यह आसान काम नहीं होगा, क्योंकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए 271 वोटों की आवश्यकता होगी, जो 542 का आधा है। जहां तक संख्या की बात करें, एनडीए के पास लोकसभा में 293 सदस्य हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक के पास 233 है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि 7 सांसद ऐसे हैं जिन्हें अभी लोकसभा में शपथ लेनी है, जिनमें इंडिया ब्लॉक के 5 सांसद शामिल है। सूत्रों के अनुसार स्पीकर के चुनाव के बाद उन्हें शपथ दिलाई जाएगी, इसलिए ये 7 सांसद लोकसभा अध्यक्ष चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे।